तो लास्ट एपिसोड में मैंने अपने इस सर्वाइवल वर्ल्ड में बिल्ड किया था इस म्यूजियम को, बट ये म्यूजियम म्यूजियम कहलाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि भाई ये म्यूजियम लिटरली पूरा का पूरा खाली है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूंगा कि अपने इस म्यूजियम के अंदर मैं माइनक्राफ्ट के वन ऑफ एवरी मॉब को ला सकूं। और मेरे पास एक भाई बहुत ही अच्छा आइडिया है, जो भी मॉब्स मैं यहाँ पर लाऊंगा उन सभी को मैं नेम दूंगा अपने कुछ यूट्यूबर दोस्तों के ऊपर। तो यार वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो भाई, इस वीडियो को बनाने में लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही और गेम प्ले वीडियोस देखने के लिए। तो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर डेरी चलो शुरू करते हैं ये फालतू वीडियो मेरी। ऑलराइट गाइस, तो वेलकम टू माय सर्वाइवल वर्ल्ड। एंड यहाँ पर पीछे जो ये नीला नीला दिख रहा है, ये दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को क्या है। सो इसके अंदर है गाइस काफी सारा काम का सामान। तो देखो ये जो अपना म्यूजियम का गेट है भाई, इसको देखकर कौन ही सोचेगा कि इसके अंदर इतना बड़ा म्यूजियम है। तो इसीलिए मैं इस गेट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा साइन बनाने वाला हूँ, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा म्यूजियम। और इसी चीज को बनाने के लिए मैंने इस सेल्कर बॉक्स के अंदर सारा सामान पहले से ही कलेक्ट करके रखा है, पर इस चीज को मैं अभी नहीं बनाऊंगा, इसको मैं बनाऊंगा एकदम लास्ट में। ऑलराइट, तो फिलहाल अभी हम लोग एक एक करके अपने मॉब्स वगैरह को पकड़ना स्टार्ट करते हैं, और उसके लिए मुझे थोड़े बहुत चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो पहले वो ले लेते हैं। ओके, तो अपने जो पहले मॉब्स होंगे गाइस उनको मैं अपने ओवरवर्ल्ड से ही उठाने वाला हूँ, और इसके लिए तो पहले रात होने का वेट करना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर रात हो चुकी है, तो चलते हैं फटाफट से नीचे, देखते हैं मॉब वगैरह स्पॉन हुए है या नहीं। यार मेरे को क्रीपर ज़ॉम्बी स्केलेटन वगैरह चाहिए, और ये क्या स्पॉन हो रहा है भाई। ओके, यहाँ पर हमें अपना पहला शिकार मिल चुका है, जो कि है एक तीर चलाने वाला कंकाल। आजा भाई एकदम आराम से भाई, ये तो बहुत ज्यादा इजी है इसको ले जाना। आजा आजा, शाबाश भाई, बहुत ही बढ़िया। चल अब मेरे को फटाफट से बाहर जाने थे भाई, अबे कितने तीर मारेगा भाई, रुक जा। और इस बंदे का नाम होगा गाइस यहाँ पर नॉट हर्षु। भाई तब मुझसे भी मत पूछना मैंने इसका नेम नॉट हर्षु क्यों रखा। और लगे तो गाइस यहाँ पर हमें अपना दूसरा यूट्यूब अपना शिकार मिल चुका है भाई। ये तो लिटरली बहुत ज्यादा इजी हो रहा है, मैंने तो सोचा था भाई इन मॉब्स को लाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, पर ये तो मेरे को 0% भी मुश्किल नहीं लग रहा। चल तू भी हो जा भाई अब यहाँ पर बंद। और इसका नाम होगा गाइस यहाँ पर बीट प्लेस। और बाय द वे गाइस इसको इग्नोर करना, यहाँ पर ई लिखने की जगह मैंने डब्लू लिख दिया है, मेरे से डब्लू गलती से दब गया था। तो बीट भाई आप यहाँ पर अपना मजे करो, मैं तो चला भाई अपना अगला शिकार ढूंढने। और लो भाई नाम लिया और शिकार हाजिर, पर ये वाला शिकार बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इसके साथ हमें बहुत ज्यादा सावधान रखना पड़ेगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। आजा भाई आराम से आजा, तेरे साथ मेरे को कोई जल्दी नहीं है। चल 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 फटाफट से इसको पहले यहाँ पर बंद कर देता हूँ, अबे दूसरी तरफ जा रहा है, इसको बंद कर दो जल्दी। ओके भाई, तो जैसे कि भाई ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा है, इससे मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती, तो इसलिए इसका नाम है ट्रिक टू हब। अरे फूटना नहीं प्लीज। ओके भाई बच गया भाई, यार मैं क्यों करता हूँ भाई ऐसी हरकत है, अगर ये फूट जाता तो ये जगह पूरी तबाह हो जाती। ओके गाइस, तो हमारे पास स्केलेटन आ चुका है, ज़ॉम्बी आ चुका है, क्रीपर आ चुका है, तो अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट मॉब के लिए। और वो मॉब मिलेगा गाइस हमें इस समुद्र की गहराइयों पर, और आई थिंक तुम लोग समझ गए होगे। अबे छोटू तू क्यों आ रहा है भाई, तेरे बस की बात नहीं है, अपने बाप को भेज। बाप को भेज, तेरे बस की बात। तो यहाँ पर गाइस मैंने एक शिकार फाइनली पकड़ लिया है, अब इसको फटाफट से लेके चलते हैं भाई। ओके सो फाइनली पूरे 50,000 ज़ॉम्बी स्केलेटन क्रीपर्स को मारने के बाद फाइनली मैं भाई इसको लेके आ चुका हूँ। और गाइस यहाँ पर तो भाई ये बंदा डांस करते करते आ रहा है भाई, लगता है ये जगह इसको पसंद आ गई है। तो गाइस गेस करो इसका मैंने क्या नेम रखा है, तो इसका नाम है यहाँ पर शुभू प्लेस। और सेम इस पे भी मत पूछना मैंने शुभू प्लेस क्यों रखा। और यहाँ पर तो गाइस एक शिकार खुद अपने पास चल के आ चुका है, यहाँ पर आके भाई तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुझे जिंदगी भर यहीं पर रहना होगा। और इसका नेम होने वाले गाइस यहाँ पर यारो गेमिंग। तो यारो भाई आप कुछ कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर रह के। अबे वेट भाई, अरे यारो भाई क्या कर क्या रहे हो भाई, ऐसे अगर गिरते रहोगे तो भाई मर जाओगे। यारो भाई मस्ती नहीं गिर जाओगे, यारो भाई बता रहा हूँ गिर जाओगे, मस्ती नहीं, खत्म। तो गाइस बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पर यारो भाई अपने बीच नहीं है, रेस्ट इन पीस यारो गेमिंग। पर कोई बात नहीं भाई, अभी हम लोग दूसरा यारो भाई लेके आएंगे, तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और उसको बचा के रखने के लिए मैं यहाँ पर हेबेल का यूज करूंगा, ताकि उसको फॉल डैमेज ना पड़े। ओके तो यहाँ पर अपने दूसरे यारो भाई भी आ चुके हैं, एंड ये लो भाई अब यहाँ पर हो जाओ आप हमेशा के लिए कैद। ऑलराइट गाइस, तो अपना जो नेक्स्ट मॉब है वो मेरे से थोड़ा सा दूर में रहता है, तो इसलिए मुझे नेदर के थ्रू जाना पड़ेगा, मुझे बस इस रास्ते को फॉलो करना है। और मैं यहाँ पर पहुंच जाऊंगा इस नेदर पोर्टल के पास, और जैसे मैं जाऊंगा इसके अंदर, अभी कौन मेरे को मार रहा है भाई, जल्दी लोड हो जा भाई, ये माइनक्राफ्ट मरवाएगा मेरे को, जल्दी आजा भाई, जल्दी आजा प्लीज, जल्दी जल्दी भाई। ओके भाग भाग भाग, वन हट कैसे, अबे हाँ पट, नहीं 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 मैं गया, निकल लो यहाँ से, निकल लो भाई। कौन मार रहा था भाई मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और बाय द वे मैं बात कर रहा था गाइस अपने इस रेड फार्म की, तो यहाँ पर एक पिलेजर स्पॉन होकर रखा है, बस इसको तोड़ के मुझे इसको कैसे करके नीचे ले जाना है। पर प्रॉब्लम ये है भाई कि अभी मैं खेल रहा हूँ अपने हाथों से, और कीबोर्ड माउस में खेल खेल के मैं भूल चुका हूँ हाथों से खेलना। तो पहले तो मैं यहाँ पर पानी प्लेस कर देता हूँ, ताकि जब मैं उसको ढके
धकेलूं नीचे तो उसको डैमेज ना पड़े। तो अब ट्राई करता हूँ इसको नीचे धकेलने का। चल भाई नीचे चल चल। अरे यार मैं क्या कर क्या रहा हूँ भाई, मेरे से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं पूरा भूल चुका हूँ भाई कसम से हाथों से खेलना। तो अभी मैंने उस पिलेजर को मार दिया है और अभी मेरे दिमाग की बत्ती भी जल चुकी है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लिया है और जैसे ही वो मुझे मारने आएगा मैं उसको धक्का दे दूंगा। तो चलो भाई अभी भाग 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 शुभ जल्दी भाग। सामने ही खड़ा है ये बंदा, आ जा भाई आ जा। अरे नहीं यार उसको नीचे गिराना था, खुद नहीं गिरना था भाई। अबे किधर से आ रहे भाई इतने सारे तो स्पॉन भी नहीं हुए। यहाँ से एक बार ट्राई करता हूँ। ओके एक नीचे आ चुका है, लेट्स गो भाई, ये बहुत अच्छा मौका है मेरे लिए। अबे भाई अब ये क्या चीज है, प्लीज नेदर पोर्टल के अंदर से आइयो, प्लीज प्लीज तुझसे रिक्वेस्ट है। अबे यार ये भाई मैं क्या ही बोलूंगा। तो गाइस उस पिलेजर को नेदर पोर्टल के अंदर ही ले जाना कितना मुश्किल है, तो सोच लो भाई वहां से इसको यहां तक लाने में कितना मुश्किल होगा। तो इसीलिए अभी मैं अपने घर वाले पोर्टल से उस वाले पोर्टल तक पूरा रेल बिछाने वाला हूं। ऑलराइट गाइस, तो यहां पर रेल का काम खत्म कर दिया है, अब फिर से एक बार चलते हैं ट्राई करते हैं। इस बार भाई अपना प्लान पूरा फुल प्रूफ रेडी है, बस उसको अभी एग्जीक्यूट करना है। ओके अबे भाई ये लोग खुद ही एक दूसरे को धक्का मुक्की देके नीचे गिर गए। ऑलराइट गाइस, तो यहां पर फाइनली एक पिलेजर माइनकार्ट पे बैठ चुका है, अब इसको धक्का देते हैं। और वेट ये गया क्यों नहीं, अच्छा इसको तोड़ना पड़ेगा। ओके चलो भाई वो चला गया और अभी मैं जस्ट होप कर रहा हूँ कि वो दूसरे वाले माइनकार्ट पे जाके बैठ जाए भाई। लेट्स सी भाई कि वो बैठा है या नहीं, प्लीज जल्दी लोड हो जा प्लीज। ओके ओके नाइस भाई बैठ गया यहाँ पर। ओ भाई लेट्स गो, अब बस इसको एक बार धक्का देना है और ये अपने आप चला जाएगा। ओके तो अब इस माइनकार्ट को आराम से मैं तोड़ देता हूँ। ओके भाई नाइस, और अब भाई फाइनली इसको फटाफट से ले चलते हैं भाई। ओके तो गाइस मैंने इसको यहाँ पर इस वाले रूम में डाल दिया है, बट आई एम सो सॉरी कि उस पार्ट को मैं भाई रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल ही गया था। और इसको गाइस मैंने क्या नेम दिया है तुम खुद ही गेस करो, तो इसका नाम है यहाँ पर रिक्शु। और रिक्शु भाई आपके साथ तो आपकी जीएफ भी आ गई है वहाँ पर, और वो तो आपकी तरफ ही दिख रही है रिक्शु भाई, या फिर मेरी तरफ दिख रही है। ओके तो रिक्शु भाई आप यहाँ पर अपना चिल करो, मैं तो चला अपना नेक्स्ट शिकार ढूंढने। ओके तो यहाँ पर मैंने ढेर सारे रॉकेट्स निकाल लिए हैं एंड अभी मैं अपने इस पूरे नेदर पोर्टल के एरिया को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ। ट्रांसफॉर्म तो नहीं, बस इस जगह को मैं पूरा ठीक कर दूंगा। ऑलराइट तो यहाँ पर मैंने अपने पूरे नेदर पोर्टल को कवर तो कर दिया है और मैंने फ्लोर पर भी कॉबलस्टोन लगा दिया ताकि कोई घास वास इस जगह को तोड़ ना सके। तो अपना नेक्स्ट मॉब ये पिगलिन होने वाला है, और जब मैं यहाँ पर काम कर रहा था तो मैंने देखा कि एक पिगलिन खुद ही इसके अंदर चला गया, तो मैं फटाफट से चलता हूँ। ये ले आ जा मेरे पीछे अब आराम से, आ जा मेरे भाई एकदम आराम से। गाइस अगर ऐसे ही सारे मॉब्स आ जाए ना तो भाई मैं ये वीडियो पूरा 5 मिनट में बना दूं। ओके तो ये अंदर आ चुका है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओ भाई ये कितना तेज था अभी निकल जाता। एंड इसका नेम होने वाला है, गेस करो ये कौन से यूट्यूबर होगा, और ये होगा इट्स ग्रिकी बॉय। तो ग्रिकी भाई कैसा लग रहा है आपको मेरे म्यूजियम में आके? हेलो ग्रिकी भाई, हेलो ग्रिकी भाई इधर देख लो भाई इधर देख लो। अरे यार इग्नोर मत करो यार। तो ग्रिकी भाई ने तो औकात दिखा दी मुझे इग्नोर करके, तो इसीलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट यूट्यूबर आई मीन नेक्स्ट मॉब को पकड़ने। और उसको पकड़ने के लिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पर सामने ही है। आ जा भाई आराम से। ओ लेट्स गो चला गया, और अब मैं भी चलता हूँ फटाफट से, बस जल्दी मेरी स्क्रीन लोड हो जाए नहीं तो वहीं पर ये लोग मेरे को मार मार के कचुंबर बना देंगे। ओके जल्दी आजा भाई प्लीज जल्दी आजा। ओ आ गया, भाग 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 शुभ भाग यहाँ से जल्दी। अब इनको ले जाना बहुत ज्यादा इजी है। अबे व्हाट ये क्या हुआ, ये लोग तो वो दूसरा वाला सुअर बन गए भाई, अब मैं इनको कैसे ले जाऊं? एक तो मैंने पहले ही अपने म्यूजियम पे रख रखा है भाई, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था अगर मैं इनको ओवरवर्ल्ड में ले आऊं तो ये दूसरे वाले सुअर बन जाते हैं। पर कोई बात नहीं भाई, मैं दो टांगों वाले सुअर को तो नहीं ले जा सकता, पर चार टांगों वाले सुअर को मैं ले जा सकता हूं। लेकिन नहीं भाई इन लोगों का अलग दिक्कत है, ये लोग नेदर पोर्टल के पास आने से डरते हैं। आ जा मेरी माइनकार्ट पे बैठ जा सुअर। ओ बैठ गया भाई, लेट्स गो। आप मेरे को इसको बस धक्का देना है, आराम से चला जा जल्दी। ओके तो ये पोर्टल के पास तो आ चुका है, बट ये जा नहीं रहा भाई उस तरफ। आई थिंक मेरे को माइनकार्ट को तोड़ना पड़ेगा भाई, प्लीज 2 मिनट के लिए बस अपना नाक हटा ले यार, मैं क्या करूं, ये हिट ही करने नहीं दे रहा माइनकार्ट को भाई, आगे अपनी नाक अड़ा दे रहा है भाई। लोग दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं, तू नाक क्यों अड़ा रहा है? नेवर माइंड, मेरे पास एक आइडिया है। आई थिंक मैं अगर एक ब्लॉक नीचे से माइनकार्ट को तोड़ने की कोशिश करूं तो गाइज वो सुअर तो ओवरवर्ल्ड में तो नहीं गया लेकिन भगवान के पास जरूर चला गया, तो माफ कर देना। पर कोई बात नहीं भाई, हमारे पास एक और मेहमान है जिसको मैं ले जा सकता हूँ, और वो है ये मैग्मा। तो चलो वो तो चला गया, मैं भी फटाफट से चलता हूँ। ओके आ चुका इधर, मैं फटाफट से भाग लेता हूँ भाई, नहीं तो ये लोग मेरे को मार देंगे। और हाँ इसके पप्पा जो है नेदर पोर्टल से नहीं आ पा रहे थे, तो मैंने इसके बच्चे को उठा लिया है, तो अभी इसको ही लेके चलते हैं। आराम से आ जा मेरे भाई। ओके वेरी गुड, अभी मैं फटाफट से चलता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, और इसका नाम होगा शुभ प्लेस।
अरे अरे सुबह भाई क्या कर रहे हो, गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई। ऑलराइट, तो अपना जो नेक्स्ट मॉब है वो हमें मिलेगा यहाँ पर नीचे लावा पूल में। एंड ये रहा गाइस, मैं इसकी बात कर रहा था, इसको स्टेडर या फिर स्ट्राइडर कुछ तो बोलते हैं शायद। ओके, यहाँ पर गाइस एक करीब आ चुका है, इसको पकड़ते हैं। अबे बच्चे को नहीं पकड़ना था भाई, आजा बस थोड़ा सा इधर। अरे यार बार बार ये चला जा रहा है भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। आज शायद से ये लोग पकड़म पकड़ाई देख के आए हैं, मैं जैसे ही सामने जा रहा हूँ भाई ये लोग भाग जा रहे हैं। मतलब ये लोग भी मेरे साथ लिटरली पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। एंड ये ले भाई फाइनली, चलो इसको मैंने पकड़ लिया। गाइस यहाँ पर देखो, इसको जैसे ही मैंने लावा से निकाला भाई इसका रंग कैसा हो गया और ये कितना ज्यादा अजीब दिख रहा है। तो इसको मैं इस लावा के रास्ते ले चलता हूँ, जल्दी होगा ये। अब चलते हैं धीरे धीरे ऊपर और बस ये रस्सी ना टूट जाए, अगर ये टूट गया तो भाई मैं अभी टूट जाऊंगा। ओके बस थोड़ा सा और। ऑलराइट भाई फाइनली आ चुका है ये, और अब इसको फटाफट से ले चलते हैं ओवर वर्ल्ड में। गाइस सच में बता रहा हूँ, ये मॉब दिखने में अजीब हो सकता है बट ये बहुत अच्छा मॉब है। इसका ना तो कोई नखरा है ना तो ये हमें अटैक करता है, और जैसे जैसे मैं इसको ले आ रहा हूँ भाई शांति से मेरे साथ आ भी रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको इस वाले रूम में रखता हूँ, लेकिन अभी मैं इसको दूसरे रूम में शिफ्ट करने वाला हूँ। और जैसा कि ये बहुत ज्यादा अच्छा बंदा है तो इसलिए इसका नाम होगा एंड्रयू। ओके, तो मैंने यहीं पर तो कहीं पर एक लावा पूल देखा था, ओ ये रहा यहाँ पर है। तो यहाँ पर ढेर सारा लावा ले लेते हैं, और इसका मैं क्या करूंगा वो तो तुम्हें आगे पता चलेगा। ओके, तो जो एंड्रयू है उसके लिए मैं यहाँ पर अलग कस्टमाइज रूम बनाने वाला हूँ। तो चलो फटाफट से मैं इसको बना लेता हूँ, फिर उसके बाद तुम लोगों से मिलता हूँ, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो एंड्रयू का कस्टम रूम यहाँ पर रेडी हो चुका है, तो फटाफट से ले चलते हैं। एंड ये रहा गाइस, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो अपने एंड्रयू का कस्टम लावा वाला रूम। और अब मुझे लगता है कि एंड्रयू भाई काफी ज्यादा खुश है अपना कस्टम रूम पाके। ऑलराइट गाइस, तो अब जो अपना नेक्स्ट मॉब होने वाला है उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी ढेर सारे एंडर पल्स की, और आई थिंक तुम लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ गाइस एंडरमाइट की, और इसको स्पॉन करने के लिए मुझे यहाँ पर एंडर पल का यूज करना पड़ेगा। हो जा भाई जल्दी से स्पॉन। ओ हो गया भाई, लेट्स गो। तो अभी फटाफट से भाई इस बंदे को बंद कर देते हैं, नहीं तो मेरे को मार देगा। ओके ओके, अबे मेरे ग्लास खत्म हो गए। नहीं यार, वाह भाई क्या टाइमिंग पे मेरे ग्लासेस खत्म हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आया हूँ थोड़े से एंडर पल्स ट्रेड करने, क्योंकि जो अपना पहला वाला एंडरमाइट था वो तो डिस्पॉन हो गया पता नहीं कैसे। एंड ओके, यहाँ पर एक और एंडरमाइट मैंने स्पॉन कर लिया है, और इससे पहले कि ये मेरे को मारते मारते खुद ही मर जाए तो मैं इसको पहले नेम टैग दे देता हूँ, और ये होंगे अपने प्रभाव गेमर्स। ओके प्रभाव भाई, अब मैं आपको नहीं भागने दूंगा। तो प्रभाव भाई आप अभी यहाँ पर बोर होते रहो, मैं तो चला अपना नेक्स्ट यूट्यूबर ढूंढने। ओके, तो जो अपना नेक्स्ट शिकार है वो ओनली यहाँ पर रात में स्पॉन होता है, तो वेट करते रात होने का। अबे वेट भाई, ये क्या है, पिंक शीप। ये आई थिंक पहली बार है भाई कि मुझे अपने वर्ल्ड में पिंक शीप मिला नेचुरली। मैं इसको ऐसे ही नहीं जाने दूंगा भाई, मैं इसको यहाँ पर ट्रैप कर लेता हूँ, और इसको एक नेम भी दे देता हूँ ताकि डिस्पॉन ना हो जाइए, और इसका नेम होगा सब्सक्राइब। बाय द वे ये मत सोचना कि मैं इसी बहाने तुम लोगों को सब्सक्राइब करने को बोलूंगा, पर वैसे तुम कर भी सकते हो सब्सक्राइब। ओके तो गाइस चलो अब फटाफट से रात होने का वेट करते हैं अपने अगले शिकार के लिए, और जब तक रात हो रही है ना मैं अपने टूल्स आर्मर इलाइट्रा वगैरह रिपेयर कर लेता हूँ। ऑल सेट गाइस, अब बस वेट करते हैं उसके स्पॉन होने का। लेटर दैट नाइट। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर जिसका मुझे था इंतजार वो स्पॉन हो गया है, या फिर स्पॉन हो गई है, आई डोंट नो। अबे ये मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रही। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको अपने म्यूजियम तक लेके आ चुका हूँ। अरे नहीं भाई, फिर से इसने पॉइजन दे दिया। मैंने सोचा था भाई कि इसको ले जाना इजी होगा, बट ये मेरे को सबसे ज्यादा हार्ड लग रहा है। टूट गया। ओके, तो इसको इस वाले रूम में लेके चलते हैं, इधर भी मैं रास्ता कर देता हूँ ताकि मैं भाग सकूं। अबे कौन मार रहा है भाई, अबे ये किधर से आया। ओ मैंने गलत केज तोड़ दिया। नहीं भाई, नहीं नहीं, बाहर मत निकल। अबे यार नहीं, मैंने सब गड़बड़ कर दिया। ओके, तो चलो मैंने प्रभाव भाई को वापस से बंद कर दिया है, अब बारी है इसको बंद करने की। आ जा अंदर फटाफट से, मैं इधर से निकल लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ बंद। अब बस मुझे उधर करना होगा जल्दी जल्दी। अबे नहीं नहीं भाई, निकल गया ये, अभी मेरे को भागना पड़ेगा इससे। ओके, तो अपना सेकंड ट्राई। ओके अंदर आ गया, मैं इसको बंद कर देता हूँ फटाफट से। चल 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 जल्दी जल्दी जल्दी। अबे ब्लॉक लगा भाई, मैं नूब भाई, मैं नूब, मैं लिटरली कीबोर्ड माउस में खेल खेल के पूरा भूल चुका हूँ मोबाइल में खेलना। ओके, तो यहाँ पर एक और बार कोशिश करते हुए। ओके अंदर जा, आगे अंदर, अब फटाफट से इसको कर दो बंद। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, जल्दी जल्दी। अबे भाई मैं क्या बताऊं, मैं नूब, मैं आज मानता हूं मैं नूब। पर कोई बात नहीं गाइस, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके अंदर आ गया, जल्दी इसको करो बंद, और अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। लेट्स गो, फाइनली यू आर ट्रैप्ड, समझी क्या भाई। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इसको ट्रैप करना इतना ज्यादा मुश्किल होगा, पर फाइनली भाई हमने इसको ट्रैप कर ही दिया। एंड गाइस मुझे भाई लिटरली बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या नेम रखूं, तो इसलिए मैं ये काम तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। तुम लोग इसका एक अच्छा सा मुझे नेम सजेस्ट कर दो कि कौन से यूट्यूबर के ऊपर मुझे इसका नेम रखना चाहिए, पर फिलहाल ये डिस्पॉन ना हो जाए इसलिए मैं इसका अभी नेम रख रहा हूँ चुड़ैल। ऑलराइट गाइस, तो अब जो अपना नेक्स्ट मॉब होने वाला है ना उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा अपने नेदर फोर्ट्रेस में, और यहाँ पर मैं फोर्ट्रेस में आ चुका हूँ, और भाई आते ही इन लोगों ने मेरा गर्मा गर्म स्वागत कर दिया है। यहाँ पर मैं एक ब्लॉक लगा देता हूँ। अबे रुक जा भाई, कितना मारेगा। अरे नहीं 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 भाई, बेहतर स्केलेटन नहीं। ओ मैं गया, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। ओ भाई होली शिट भाई, क्या बचा यहाँ पर। मैं अगर यहाँ पर भाई मैं मर जाता तो मैं सीधा स्पॉन होता अपने घर पे। ओके, तो सबसे पहले
मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे बनाना है एक नेदर पोर्टल। एंड डन भाई, यहाँ पर पोर्टल हो चुका है रेडी। और इस ब्लॉक को तोड़ के मैं आ जाता हूँ फटाफट से पीछे नेदर पोर्टल के। बट वेट सेकंड, अबे ये अब नेदर के उस पर क्यों नहीं जा रहा? अच्छा भाई समझ गया, पहले मुझे जाके उधर वाले पोर्टल को ओपन करना पड़ेगा। ओके इधर वाला स्पॉन तो भाई काफी बेकार है। ओके लेट्स गो भाई, अब ट्राई करते हैं। ओके तो गाइस यहाँ पर एक स्केलेटन चला गया है, अब बस मेरे को जाना है, तो अब मैं भी चलता हूँ फटाफट से। अरे गाइस ये देखो भाई, इसको क्या हुआ? पता नहीं भाई इसको क्या हो गया, ये मेरे पे अटैक तो कर रहा है बट ये मेरा पीछा नहीं कर रहा। और अगर भाई ये मेरा पीछा नहीं कर गया तो मैं इसको लेके कैसे जाऊंगा? पहले तो मैं इस पोर्टल को तोड़ देता हूँ ताकि ये गलती से वापस ना चला जाए। हेलो भाई क्या हो गया तेरे को कोई तकलीफ वगैरह है क्या? मुझे बवासीर है। पर इसको ले जाने का मेरे पास एक और आइडिया है, पहले इसको मैं अपने बोट पे बिठा लेता हूँ, शाबाश। और अब मैं इसको इस रस्सी की हेल्प से इसको घसीटते हुए लेके जाऊंगा। और गाइस सामने ही वहां पर एक नदी है, तो मैं अगर इसको नदी तक ले जाऊं तो नदी के रास्ते अपना घर जाना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो वही करते हैं भाई, पहले मैं इसको नदी तक ले चलता हूं। ओके गाइस तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ नदी के पास, और मैं भी अपने लिए एक बोट बना लेता हूँ। एंड अब चलो भाई, अब मैं इसको कहीं भी लेके जा सकता हूँ। और अपना जो घर है वो ज्यादा दूर नहीं है, अभी 1 to 2000 ब्लॉक्स ही दूर है। 4 to 6 weeks later ऑलराइट गाइस फाइनली भाई यहाँ पर मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर। ओ भाई बहुत अच्छा लग रहा है अपने इस जू को देख के लिटरली। तो आ जा ब्रो आराम से ऊपर, और अब चलो फटाफट इसको अपने म्यूजियम पे ले चलते हैं। होले होले साजना धीरे धीरे बालमा हो हो, लेट्स गो भाई, अब अपने जीवन को शांति मिली। और इस बंदे का नाम होगा ब्लेज एमजी। तो गाइस मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैंने इसका नेम ब्लेज एमजी क्यों रखा है। तो इसका नेम मैंने ब्लेज एमजी इसलिए रखा है कि इसका शकल और ब्लेज का शकल काफी ज्यादा मिलता है, तो इसलिए मैंने इसका नेम ब्लेज एमजी रखा है। तो चलो ब्लेज भाई तुम यहाँ पर अपना मजे करो, मैं तो चला अपना अगला शिकार ढूंढने। ऑलराइट गाइस, तो अब जो अपना नेक्स्ट मॉब है उसको पकड़ने के लिए मुझे करना पड़ेगा AFK। और अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई ये मॉब पकड़ने के लिए AFK कौन करता है, तो अपना AFK स्पॉट होने वाला है यहाँ पर करते हैं फटाफट से ढेर सारा AFK। ऑलराइट गाइस, तो जिस मॉब की मैं बात कर रहा था वो हो चुका है यहाँ पर स्पॉन। एंड मैं गाइस इन बड़े चमगादड़ों की बात कर रहा था, तो इनको पकड़ने के लिए भाई मेरे पास एक बहुत तगड़ा आइडिया है। मुझे बस अपने दोनों साइड में ऐसे दो बोट्स लगा देने हैं, और अब बस करते हैं इनका नीचे आने का वेट। तो यहाँ पर गाइस एक चमगादड़ आ गया है नीचे, आप पता नहीं ये बैठेगा या नहीं। ओ भाई बैठ गया भाई, लेट्स गो भाई बैठ गया यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर आ चुका है हमारा एक और मॉब। एंड गाइस इसके बाद मैं इसका भी नाम जो है गलती से ब्लेज एमजी रख देता हूँ। मैं भाई बिल्कुल ही भूल गया था कि मैंने ब्लेज एमजी पहले ही रख दिया है। तो अब गाइस बचा था यहाँ पर लास्ट आखिरी केज, बट इसके अंदर मैं कोई मॉब नहीं लाऊंगा, ये काम मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। तुम लोग अपने हिसाब से अपने फेवरेट मॉब को यहाँ पर रख लेना, एंड तुम्हें उसका नेम भी लगा देना है। एंड ये करने के बाद तुम्हें लेना है उसका एक स्क्रीनशॉट, और तुम्हें इंस्टा पे जाके तुम्हें एक स्टोरी लगाना है वहां पर, और मुझे मेंशन कर देना, उस स्टोरी को मैं अपने स्टोरी पे भी लगा दूंगा। ओके तो गाइस अब बारी है यहाँ पर बड़ा सा बोर्ड बनाने का। तो सबसे पहले तो मैं इसका फ्रेम बना के तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि ये कितना ज्यादा जाइंट होने वाला है। 1 hour later ओके सो ये रहा गाइस इसका फ्रेम, एंड भाई ये कितना ज्यादा बड़ा दिख रहा है। तो चलो अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ बड़े बड़े अक्षरों में म्यूजियम, और ये काम करने में भाई बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। 3 hours later ऑलराइट गाइस, तो फाइनली भाई अपने म्यूजियम का बोर्ड भी हो चुका है रेडी, है मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। सो चेक दिस आउट गाइज, ये कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है। पर वेट भाई रात हो चुकी है, मैं सो के पहले सुबह कर लेता हूँ क्योंकि रात की वजह से ये थोड़ा सा दिखने में खराब लग रहा है। ओके तो अब भाई तुम यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो MUSEUM, एंड मैंने यहाँ पर 3 टाइप के ब्लॉक्स का यूज किया है, स्प्रूस वुड, ओक वुड एंड क्वार्ट्ज ब्लॉक का। एंड मैं तुम लोगों को एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये जो बोर्ड है ये मैंने टेक्नो गेमर्स के बोर्ड को देख के बनाया है। और अब अगर गाइज कोई दूर से आएगा और जैसे ही इधर देखेगा तो उसे इजिली पता चल जाएगा कि इसके अंदर भाई एक म्यूजियम है। तो चलो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दो वीडियो को भाई, लिटरली इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है, और स्पेशली भाई इस पे वॉइस ओवर करने में। एंड ऑल्सो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और सर्वाइवल की वीडियोस देखने के लिए। सो मैं मिलता हूं गाइस तुम लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।